नाउ सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए फाइंड द एरिया इनक्लोज बाई द इलिप्स हमें एक एलिप्स दे रखी है और उस एलिप्स के अंदर कितना एरिया इंक्लोज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है सो द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज़ दे रखी है हमें एक्स स्क्र बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में वन एंड यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है सम वैल्यू हम इसमें मान लेते कि ए बड़ा है हमारा तो इलिप्स की शेप कैसी होगी हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगी इस तरीके से अब एक्स के नीचे ए दे रखा है तो इस पॉइंट के वर्टिस क्या हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे ए कॉमा जीरो वाई के नीचे है बी तो इसके हो जाएंगे जीरो कॉमा बी इस पॉइंट के हो जाएंगे माइनस ए कॉमा जीरो एंड इसके हो जाएंगे जीरो कॉमा माइनस बी हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं यहां से यहां तक एक्स की लिमिट यहां पर है जीरो एक्स है यहां पर ए यहां पर है जीरो जीरो से ए मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इस इलिप्स का एरिया फाइंड आउट कर लूंगा और फिर इसको से डिवाइड करते ही मुझे पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा तो यही पैटर्न हम यहां पर यूज करने वाले हैं तो यहां पर लिमिट्स क्या बन जाएंगी हमारे पास एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू फोर इन टू जीरो टू ए जीरो टू ए वाई ऑफ एलिप्स डीएक्स इस एलिप्स के नीचे का एरिया उसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा अब वाई ऑफ एलिप्स निकाल लेते हैं हम यहाँ से तो यहाँ से वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एल्शियम आ गया ए स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बी स्क्यर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र स्क्यर को इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र y की हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बिकॉज हम कहां पर बात कर रहे हैं y की फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में x हो y हो सभी क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं तो ये वाला जो y है वो भी क्या रहेगा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हमारा फोर इंटू बी बाई ए अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्क्केयर डी एक्स बी बाई ए को बाहर ले लेंगे फोर बी बाई ए अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्केयर डी एक्स ये तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास बिकॉज एंड लिमिट्स जीरो टू ए लिमिट्स को नहीं भूलना है और यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू सेम टर्म आती है यहां पर प्लस ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई एंड प्लस सी इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो यहां इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा फोर बी बाई ए तो हमारा अलग है और इस फॉर्मूले को हम वहां पर यूज करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्यर माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और जीरो टू ए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फोर बी बाई ए जब हम यहां पर ए पुट करेंगे तो यहां बन जाएगा ए स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए अपर लिमिट पुट हो गई लोअर लिमिट को पुट करते हैं एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी प्लस ए स्केर बाई टू साइन इनवर्स जीरो अब यहाँ पर है वन साइन इनवर्स वन को मैंने मान लिया थीटा साइन को इधर ले जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वन साइन वन किस पर होता है हमारा पाई बाई टू पर साइन से साइन कैंसिल हो गया थीटा आ गया पाई बाई टू मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें पाई बाई टू मिलेगी सेम साइन इनवर्स जीरो को करेंगे इसको मान लिया फाइ यहाँ पे आ गया साइन फाई इज इक्वल टू जीरो साइन जीरो किस पर होता है हमारा साइन जीरो पर साइन से साइन कैंसिल हो गया फाई इज इक्वल टू जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई हमारी आप यहाँ पर बता देंगे साइड में बिकॉज साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड साइन इनवर्स जीरो इज जीरो यहाँ पर वैल्यू आ रही है फोर बी बाई ए इंटू ए स्क्वेयर बाई टू और इसको सॉल्व करने पर आया है पाई बाई टू और ये पूरी टर्म जीरो हो गई टू तू टू जा फोर ए से एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ बचा पाई ए बी स्क्वेयर यूनिट्स तो हमारे पास इस एलिप्स का जो एरिया है वो क्या आ रहा है हमारे पास पाई ए बी स्क्वेयर यूनिट्स करना कैसे है आपको पहले उस एलिप्स का स्केच बना लेना है फिगर बना लेना है फिर यहाँ पर x की लिमिट्स ले लेनी है ज़ीरो टू ए वाई ऑफ एलिप्स डी एक्स तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स का जो एरिया बनेगा वो मिल जाएगा उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा और बस इंटीग्रेशन से उसे सॉल्व करते ही हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के और वाला पार्ट देखिए यहां पर ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है हमने इसको आई के बराबर मान लिया जीरो टू पाई बाई टू कॉस की पावर फाइव एक्स अपॉन साइन की पावर फाइव एक्स प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं कि ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है हमारा ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास I is equal to जीरो to pi by टू cos pi by टू minus x हो जाएगा A का काम क्या कर रहा है Pi by टू तो जहां पर भी x है वहां पर pi by टू minus x रख देंगे हम और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी पावर 5 नीचे sin pi by टू minus x, इसकी पावर 5 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इसकी पावर फाइव डीएक्स और हम जानते हैं कि साइन नाइन्टी माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा कॉस थीटा के एंड कॉस नाइन्टी माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के तो यहाँ पर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स और उसकी पावर फाइव तो यहाँ पे ये बन गया हमारा जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर फाइव एक्स नीचे ये बन गया कॉस की पावर फाइव एक्स ये बन गया साइन की पावर फाइव एक्स डी एक्स इसको मान लो सेकेंड अब फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू यहां पर है cos की पावर फाइव एक्स अपॉन साइन की पावर फाइव एक्स प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई टू यहाँ पर है साइन की पावर फाइव एक्स और नीचे है साइन की पावर फाइव एक्स प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स दोनों को ऐड कर लेंगे बिकॉज़ यदि ऐसे इंटीग्रेशन दे रखा हो कि एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डीएक्स इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स और फिर एक ही बार उनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया जीरो टू पाई बाई टू डेनोमिनेटर सेम है एलसीएम यही आ जाएगा ऊपर कॉस की पावर फाइव एक्स यहाँ पर साइन की पावर फाइव एक्स डी एक्स न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ बचा हमारा वन टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू पाई बाई टू वन डी एक्स वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स जीरो टू पाई बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो टू आई किसके बराबर आ रहा है हमारा पाई बाई टू के टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई फोर तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिल रही है हमें आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर तो केवल एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है एंड देन इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन को किया है बस ये प्रॉपर्टी आपके माइंड में रहेगी और फिर आपको ये याद रहना चाहिए कि इन्हें ऐड करने पर ये वन बनता है इस तरीके के ढेरों हैं। सभी में बस यही पैटर्न हमें यूज करना है एंड 99.9 परसेंट चांस में आंसर भी हमारा क्या आता है पाई बाई फोर ही आता है ऐसे क्वेश्चंस में तो बस ये प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दो लाइन्स की इक्वेशंस हमें दे रखी हैं एंड इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है सो द गिवन इक्वेश ऑफ लाइन्स आर वो क्या है आर वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस छे कैप प्लस लेमडा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आर वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप जब इस तरीके से दो लाइंस आपको दे रखी हों, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट वाली को इससे और सेकेंड वाली इक्वेशन को इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो यहां से देखिए ए वन वैक्टर किसके बराबर आ रहा है हमारा वो आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप B1 वन वैक्टर किसके बराबर आ रहा है टू आई कैप माइनस जे प्लस के कैप ए टू वैक्टर किसके बराबर आ रहा है हमारा टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बी टू वैक्टर किसके बराबर आ रहा है थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के कैप ए वन ए टू बी वन बी टू सभी निकाल लिए अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास जब ऐसे लाइन्स हमें दे रखी हों तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू का मॉड्यूलस और नीचे आता है हमारा बी वन क्रॉस बी टू का मॉड्यूलस ये फार्मूला होता है हमारे पास दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का तो यही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे तो इसके लिए हमें ए टू माइनस ए वन वैक्टर चाहिए बी वन क्रॉस बी टू चाहिए तो ए टू माइनस ए वन निकालते हैं टू माइनस वन इज आई कैप जे माइनस जे इज जीरो जे कैप माइनस वन माइनस जीरो इज माइनस के कैप उसके बाद हम निकालते हैं बी वन क्रॉस बी टू यहां पर आई जे के बी वन के आई जे और के के कॉफिशेंट्स टू माइनस वन वन थ्री माइनस फाइव टू नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन क्या हो जाएगा आई कैप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस टू माइनस ऑफ माइनस फाइव माइनस जे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पर तो यहां पे आएगा फोर माइनस थ्री प्लस के कैप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस टेन ऑफ माइनस थ्री प्लस का फाइव माइनस टू इज थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस सेवन के कैप ये आ रहा है हमारा बी वन क्रॉस बी टू इसका मॉड्यूलस भी निकाल लेते हैं का स्क्वायर नाइन माइनस वन का स्क्वायर वन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन यहां पर आ गया रूट फोर्टी नाइन देन इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय उसके फॉर्मूले को लिखेंगे हम ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू और नीचे है बी वन क्रॉस बी टू का मॉड्यूलस ऊपर इसका मोड लेना है अब देखिए ए टू माइनस ए वन क्या है हमारे पास आई प्लस जीरो जे माइनस के आई प्लस जीरो जे माइनस के इसका डॉट प्रोडक्ट करना है b1 वन क्रॉस बी से दैट इज 3i आई माइनस जे माइनस सेवन के और इसका मोड लेना है और इसका मोडलस आया है रूट फिफ्टी नाइन थ्री वन जा थ्री जीरो प्लस का सेवन इसका मोड नीचे है रूट फिफ्टी नाइन यहां पर आ गया टेन बाई रूट फिफ्टी नाइन यूनिट्स और यही क्या है हमारी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो सिंपली हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं उनको पहले हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे देन ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर बी वन क्रॉस बी टू दोनों को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ इस फार्मूले में पुट करते ही हमें क्या मिल जाएगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी और प्रफ आई प्रिफर यदि इक्वेशन्स आपको कहीं पर कार्टीशियन फॉर्म में भी दे रखी हो तो पहले आप उन्हें वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसी मेथड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इस मेथड में, में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कंपेयर टू कार्टिशन फॉर्म तो आपको यही मेथड यूज़ करना है इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइन्स पैरल हो जाती हैं तो उसका अलग से केस बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर जब लाइन्स पैरल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशोज एम मल्टीपल होंगे तो बी वन और बी टू एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वन वैक्टर जिसे हम बी से ही बोल देंगे का मोडुलस और नीचे बी वैक्टर का मॉडुलस जो बी वन वैक्टर को हम बी बोलेंगे यहाँ पर तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा करना इसी मेथड से है बस यही दो पॉसिबल केस बन सकते हैं या तो ये आएगा या फिर लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल होंगी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के और वाला पार्ट देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स तीन पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किन पॉइंट से पास हो रही है वन वन माइनस वन कॉमा सिक्स कॉमा फोर कॉमा माइनस फाइव एंड माइनस फोर माइनस टू थ्री इज गिवन बाई इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वो होता है हमारा यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एन जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स माइनस एक्स वन ये है एक्स माइनस वन वाई माइनस वन एंड जेड प्लस वन हो जाएगा देन इसके बाद एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब सिक्स माइनस वन इज फाइव फोर माइनस वन इज थ्री माइनस फाइव ऑफ माइनस वन ही हो जाएगा माइनस का फोर माइनस फोर माइनस वन इज माइनस फाइव एंड माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री एंड थ्री माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस का थ्री यहाँ रो टू और रो थ्री जो है वो क्या बन रहे हैं हमारे यहाँ पर ये दोनों सेम है यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड प्लस वन फाइव थ्री माइनस फोर फाइव थ्री माइनस फोर और किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज़ या दो पर्टिकुलर कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो वो जीरो के बराबर आता है तो यहाँ लेफ्ट हैंड टर्म आ गई जीरो इज इक्वल टू जीरो और ऐसा केस कब बनता है जब हमारे जो ये पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि इनसे एक प्लेन नहीं निकाला जा सकता यहां ये इनफाइनाइट प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे जब ये जीरो के बराबर बनेगा तो हम यहां पर लिख देंगे गिवन पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बस यहाँ पर कोई एक इक्वेशन बना ही नहीं जा सकती है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एल से दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकल मैथड मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्या दे रखा है जेड इज इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी एक्स प्लस सेवेंटी फाइव वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आर वो दे रखे हैं फाइव एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड एंड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्सटी एंड एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मैक्सीमाइज करना है तो सबसे पहले हम इनके ग्राफ बनाएंगे ग्राफ ऑफ फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड इन का साइन नहीं लेना है इज इक्वल टू क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इन का सेम यहां पर ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटी एक्स को जीरो लेंगे तो वाई हंड्रेड वाई को जीरो लेंगे तो एक्स ट्वेंटी x को जीरो लेंगे तो y 60 और y को जीरो लेंगे तो x 60 तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ हंड्रेड तक वैल्यूज जा रही हैं तो ट्वेंटी ट्वेंटी के इंटरवल्स हम यहां पर ले लेंगे ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी 80 एंड हंड्रेड ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एट्टी हंड्रेड पहला पॉइंट है जीरो कॉमा हंड्रेड तो एक्स जीरो वाई हंड्रेड यहाँ पर होगा एक्स ट्वेंटी वाई जीरो वो यहाँ पर होगा ये बन गई पहली लाइन जो है फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तो हंड्रेड एक्स जीरो वाई सिक्सटी एक्स सिक्सटी वाई जीरो दूसरे वाली लाइन बन गई अब हम चेक करेंगे कि इनका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा देखिए यहां पर इज इक्वल टू वाले साइन को छोड़ दें और यहां पर लिखें फाइव एक्स प्लस वाई इज लेस देन हंड्रेड अब x और y दोनों की जगह जीरो रख दें तो यहां पर आएगा जीरो इज लेस देन हंड्रेड क्या ये बात सही है कि जो जीरो है वो हंड्रेड से छोटा होता है बिल्कुल तो ये वाली जो लाइन है वो ऑरिजन को कंटेन करेगी मतलब इसका फिजिबल रीजन ओरिजन की तरफ होगा ऐसे ही दूसरे वाली को चेक करेंगे जीरो प्लस जीरो इज लेस देन सिक्सटी ये भी सही बात है तो इसका भी जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजन की तरफ होगा तो दोनों का ही जो फिजिबल रीजन है वो ऑरिजन की तरफ आ रहा है तो ये फिजिबल रीजन हमारा यहाँ पर बन जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं जीरो कॉमा जीरो है ट्वेंटी कॉमा जीरो ये निकाल लेंगे हम और ये है जीरो कॉमा सिक्सटी दोनों को सॉल्व करते हैं फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एक्स प्लस वाई इज सिक्सटी ये कैंसिल फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एंड एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स को टेन यहाँ पर रखेंगे तो वाई कितना आ जाएगा फिफ्टी टेन कॉमा फिफ्टी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है तो इनको सॉल्व करने से जो एक्स और वाई मिलेंगे वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे फिजिबल रीजन हमें मिल गया है कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए हैं अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जिस पर ये मिनिमम होगा उस पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम रहेगा और जिस पर ये मैक्सिमम बनेगा उस पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा देन इसके बाद Z एट O, दैट मीन्स जीरो कॉमा जीरो क्या है हमारा यहाँ पर जीरो प्लस जीरो इज जीरो आ जाएगा Z at A that means 20 comma जीरो तो 250 हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू ये हो जाएगा आपका 5000 फिर उसके बाद Z at ओके दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज C B क्या है हमारा 10 comma फिफ्टी यहाँ रखेंगे 250 हंड्रेड एंड प्लस सेवेंटी फाइव एन फिफ्टी ये हो गया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ये हो गया सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी उसके बाद जेड एट सी दैट मीन्स जीरो कॉमा सिक्सटी पर जीरो प्लस सेवेंटी फाइव इंटू सिक्सटी 4,500 तो जेड की वैल्यू हमने सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल ली है अब आप यहां देखेंगे जेड मैक्सिमम किस पर आ रहा है इस वाले पॉइंट पर आ रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे जेड इज मैक्सिमम जेड इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू टेन एंड वाई इज इक्वल टू फिफ्टी एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो पहले ग्राफ बनाएंगे फिजिबल रीजन को चेक करेंगे जेड की वैल्यू को कॉर्नर पॉइंट्स पर फाइंड आउट करेंगे एंड वहां से फिर हम बता सकते हैं कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर मिनिमम होगा तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट ए को फिनिश कर लिया है इससे आगे का जो सेट है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर